आगे ना गाइस, ये बाइक भागने में चलने में भाई साहब इतनी ज़्यादा खतरनाक है इतनी, लेकिन फिर भी गाइस हद से ज़्यादा, क्या बात है 94 भाई, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। सबकी नज़र ना यही होती है भाई इस बाइक पे जब ये चल रही होती है, क्योंकि एक ऐसे तीन तीन ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, बताओ आंटी का कोई चलान नहीं काटेगा, अभी हम ट्रिपलिंग कर लेंगे तो भाई साहब अभी चलान कट जाएगा अपना। पर असल में पावर है क्या इसकी, What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the new fresh video, look at the beautiful beast। और अभी हम लोग एक जगह पे आ चुके हैं जो मतलब ऐसी लोकेशन है कि गाइज यहाँ पे अपनी रील्स वगैरह और अपनी जो वीडियोस वगैरह है ना वो बढ़िया तरीके से बन सकती है। सो रील वगैरह तो नहीं, लेकिन गाइज इसको ना चलाने का जो एक फील है ना भाई, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है गाइज, बहुत ज़्यादा अमेजिंग। और इसके लगने के बाद ना ये बाइक ना भाई लिटरली इतनी ज़्यादा एग्रेसिव और इतनी ज़्यादा प्यारी हो चुकी है ना ये बाइक भाई, बहुत अलग है, बहुत ही अलग। सो पहले मिरर सेट कर लेते हैं अपना और चलते हैं एक बढ़िया सी गेन हाइपर राइड के लिए। कुछ कुछ जगह पे बम्पी रोड्स वगैरह आएंगे ना, और कुछ कुछ जगह पे स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, सो गाइज वहाँ पे तो देखो ये चीज़ चेक नहीं हो पाएगी, मतलब उस हिसाब से नहीं चल पाएगी, लेकिन आई ट्राई माय बेस्ट कि इसको बढ़िया सी एक पावर के साथ चला सकें। सो आज ना मौसम जो है ना बिल्कुल कैसा हो रहा है कि भाई बादल बादल वाले हो रहे हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा सूरज मामा जो है ना अपने गाइस, वो थोड़े से बादलों में आज छुपे हुए हैं, तो आज धूप नहीं है, बढ़िया मौसम हुआ हुआ है। सो जिस रोड की मैं बात कर रहा हूँ ना, जिस बम्पी रोड्स की बात कर रहा हूँ, जैसे ये ट्रैफिक ये हो गया ना स्पीड ब्रेकर, तो इन जगह की ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो पुट ऑन नहीं हो पाएगी स्पीड, कोशिश ज़रूर करेंगे गाइस जी। सो चलो जी शुरू करते हैं, सामने पहले आ गया स्पीड ब्रेकर और का जो ब्रेक लगेगा ना वो तो ई, भाई इसकी जो पावर है ना गाइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पावर है यार, बहुत ज़्यादा अमेजिंग पावर। आप ना जब इस गाड़ी को चलाओगे ना तब आपको भाई पता चलने वाली है कि इसकी पावर असल में पावर है क्या इसकी, बहुत ही यार हल्की सी ना स्पीड भी अगर पुट ऑन होती है ना तो आपको वो फील और वो जो एक अग्रेशन जो होता है ना इस बाइक का वो आपको फील हो जाने वाला है यार, और रिएक्शन ना बहुत तगड़े हैं यार इस बाइक के, और कुछ लुक अपना ऐसा हो जाता है ना गोप्रो वगैरह लगा के भाई, सारे बंदे देखते ज़रूर हैं एक बार। सो सब की नज़र ना यही होती है भाई इस बाइक पे जब ये चल रही होती है, क्योंकि एक तो कलर जो है ना गाइस इसका भाई वो कलर जो अलग है, क्योंकि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था KTM RC 200 का प्रॉपर ब्लैक कलर जो है वो मार्केट में आ चुका है, लेकिन गाइस पर्सनली मैं अगर आपको एक बात बताऊँ ना, ये जो कलर है ना भाई ये बिल्कुल हटके कलर है, ये ऑल ऑफ द KTM RC पे ना कुछ ज़्यादा ही जचता है यार ये कलर, वार्निंग है यार ये, चेक मारो गाइस क्या बात है, अरे बाप रे बंदा ऐसी मोड़ दी उसने, ना पीछे देखा ना आगे देखा। सो मोस्ट ऑफ द फेवरेट रोड है भाई अपनी, तो इस पर अभी वो नहीं मिल पाने का मौका, लेकिन फिर भी गाइस हद से ज़्यादा क्या बात है 94 भाई, बहुत ही अमेजिंग यार, बहुत ही ज़्यादा जो इसका खतरनाक वाला फील है भाई इस बाइक का, खतरनाक वाला फील। आप ना बस यार इस बाइक को केयरफुली राइड करो, बस वही चीज़ बस इसकी बहुत ज़्यादा मेन है, बाकी ना गाइस ये बाइक भागने में चलने में भाई साहब इतनी ज़्यादा खतरनाक है, इतनी ज़्यादा खतरनाक कि आप ना
भाई रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस बाइक को चलाते टाइम। और कुछ तो ब्रेकिंग जो है ना इसकी, बाई ब्रेक की जो ब्रेकिंग है ना भाई, अलग ही लेवल की ब्रेकिंग कर रखी है इसकी। सो जो इसका डिस्क है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड दे दिया गया है इस बार, थोड़ा ज़्यादा बड़ा दे दिया गया है कि जो इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना, जिस तरीके की पावर अगर ये KTM दे रहा है ना, तो उस तरीके की ब्रेकिंग सिस्टम भी दे रहा है ना, तो ये चीज़ बहुत सही करी है। तो ये चीज़ें भी होनी चाहिए, जिस तरीके की पावर होनी चाहिए ना उस तरीके की ब्रेकिंग सिस्टम भी होना चाहिए। रिएक्शन तो है भाई तगड़े तगड़े रिएक्शन है, बंदा हर कोई बंदा देखता ज़रूर है। मिरर में पता नहीं दिख पाया यार, लेकिन मिरर में अपने आप को देखो ना बाइक राइड करते हुए, होए 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 क्या लगता है, शायद यहाँ से दिखेगा गाइस, मे भी शायद दिखेगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ ना भाई वो ना मिरर में ना क्या ही खतरनाक लगता है। लोग चेक मारो गाइस, क्या ही खतरनाक लगता है। सो बस अब अपने को चाहिए एक राइडिंग जैकेट, प्लान कर रहा हूँ कि अपने पास एक राइडिंग जैकेट आ जाए, और फिर उसके बाद तो भाई, और यार मैंने गलत ले लिया यहाँ पे, क्या हाइपर राइड होगी, यहाँ तो जाम इतना है यार, निकलेंगे कैसे, तीन तीन ट्रिपलिंग करके जा रहे हैं, बताओ आंटी का कोई चलान नहीं काटेगा, अभी हम ट्रिपलिंग कर लेंगे तो भाई साहब अभी चलान कट जाएगा अपना, और इनसे थोड़ा सा दूर होकर गाड़ी चलाओ तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ना पता चला यार गिर गुरा गए तो नाम अपना हो जाएगा, जबकि हम बहुत दूर चल रहे हैं। सबसे मेन तो पहले अपने को यार एक इंस्टा 360 की ज़रूरत है यार, ये रिएक्शन जो है ना बाइक के यार वो लेने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और अपने यहाँ पे ना बहुत तगड़े रिएक्शन मिलते हैं इस चीज़ के, ऐसे जज नहीं हो पाता लेकिन बंदा देखता ज़रूर है भाई। मैं शुरू अभी जब से मैं राइड कर रहा हूँ ना, तब से लेके अब तक भाई कितने बंदों के जो रिएक्शन है ना वो इतने ज़्यादा खतरनाक आए हैं, इतने में रिएक्शन अगर मैं कैप्चर करने चलता हूँ तो GoPro आगे निकल जाता, देखो अंकल गोलगप्पे खाते हुए भाई, बाइक का एक बार लुक ज़रूर चेक कर रहे हैं यार। और जिस चीज़ के लिए मैं बता रहा था ना, देखो ये वही वाली चीज़ हो गई, तो पहले मिरर करते हैं अनफोल्ड, यार यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाएंगे, पता चला मिरर में अगर लग गई ना तो फिर भाई, ये देखो बाइक गिरी पड़ी है भाई, किसी ने पार्किंग लगाई होगी और बाइक को वहीं के वहीं गिरा दी। क्या कर रहे हो अंकल, यार चलाते क्यों नहीं हो, क्या तो अपने को निकलने दो। ओए होए, एक जगह से निकले तो दूसरी जगह पर अटक गए भाई। चलो अंकल चलो, चलते क्यों नहीं हो यार, खड़े हुए अंकल भी बिल्कुल यार, यही तो चीज़ है, यही वाली चीज़, अपनी RC जो है ना भाई इन चीज़ों के लिए वेट नहीं करने सकती, करना चाहती बिल्कुल भी। होप यू गाइज आपको वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा गाइज। तो चलो जी, ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेटेस्ट व्लॉग देखने के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे वॉच गाइज, और शेयर कर दीजिए, बहुत सारा प्यार दिखाइए, बहुत सारा सपोर्ट दिखाइए गाइज, और चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गाइज अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय एंड टेक केयर गाइज।